नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज। मैं हूं सारिका सिंह कुशवाहा। शिक्षा विभाग की लापरवाही से बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर खतरा। बिहार के सासाराम प्रखंड के अंतर्गत स्थित भोखदवा गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय की दुर्दशा ने गांव के छोटे छोटे बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को खतरे में डाल दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में साल भर में मात्र दो दिन ही पढ़ाई का समय दिया जाता है और विद्यालय की अध्यापिका और शिक्षक भी केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही विद्यालय पर आते हैं। इसका परिणाम है कि बच्चों की शिक्षा में बड़ी कमी आ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि विगत 5 वर्षों से यह स्थिति बढ़ती जा रही है और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए कई फरमानों के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। ग्रामीण नेताओं ने यह आरोप लगाया कि विद्यालय की अध्यापिका और शिक्षक वार्षिक छुट्टियों में भी विद्यालय नहीं आते हैं और इसके चलते बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आगे भी बताया कि वन विभाग के लिए पौधे लगाने का काम करने वाले मजदूर भी विद्यालय के भवन में रहकर अपना दिन गुजार रहे हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा पर असर हो रहा है। ग्रामीण समुदाय ने शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से यह अपील की है कि वे इस सरकारी विद्यालय की स्थिति में सुधार करें और छोटे बच्चों को उनके मूलभूत अधिकार की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का सुनिश्चित करें। ये स्थिति गंभीर है और इससे बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा विभाग को तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि छोटे बच्चों को उनके अधिकार की प्राथमिक शिक्षा मिल सके। सबसे ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए बिहार वन न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद सर। 365 दिन में 65 दिन भी स्कूल नहीं खुल पाता है। अच्छा, झंडा उंडा भी फहराने के लिए लोग नहीं आते। 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तो लोग आते हैं अपना और झंडा फहरा कर चल जाते हैं देश आजाद कर कर, मगर बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। अच्छा, क्या बच्चे लोग का भोजन वोजन जो बिहार सरकार के तरफ से मध्य भोजन मिलता है वो भी बन पाता है कि नहीं? सर, हमारा कहना यही है कि सर आखिर स्कूल खुलेगा तभी तो बच्चा लोग को भोजन मिलेगा, और जब स्कूलें बंद रहेगा तो बच्चा लोग को भोजन कहाँ मिलेगा। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? सर मेरा नाम है क्या काला अच्छा, आपका राजेश्वर सिंह। घर कहाँ हुआ? खड़वा। ये जो बोखड़ावा में स्कूल है वो कितना दिन साल में खुलता है? 4-5 साल से बंद रहा। क्या झंडा उंडा भी फहराने के लिए लोग आता है कि? हाँ, कभी कभी आता है झंडा फहराने के लिए। बाकी दिन? बाकी दिन चुप। बच्चे लोग का खाना उना भी मिलता है कि? ना, कहाँ मिलता है, स्कूल नहीं चले तो खाना कहाँ से मिलता। क्या नाम हुआ बाबू आपका? महावीर कुमार। कहाँ घर हुआ? ग्राम भोखड़वा। भोखड़वा स्कूल पे खड़े हो बाबू जी? ये महीने में कितना दिन खुलता है स्कूल? अभी हम जब से आए हैं कम से कम ना ही स्कूल खुला है, हम दूसरा गांव गए थे, 6 महीना हो गया अभी स्कूल खुला नहीं देखे। झंडा उंडा भी लोग फहराने आते हैं टीचर लोग की नहीं आते हैं? टीचर लोग आए थे, झंडा फहरा कर चले गए। उसके बाद में बच्चे लोग का खाना उना हर स्कूल में मिलता है उस टाइप से यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं? कहाँ से, स्कूल लग ही नहीं रहा है तो खाना कहाँ। चाचा, और नाम क्या पड़ेगा? राम ऋषि। घर कहाँ हुआ? भोखड़वा। अच्छा, भोखड़वा का जो स्कूल है वो महीने में कितना दिन खुलता है? महीना में लगभग मैंने 1-0 0। कब खुलता है? वो निमटे नहीं है, मतलब झंडा उंडा फहराने के लिए भी खुलता है कि नहीं? एक दिन झंडा फहराने के लिए आते हैं, उसके बाद फिर भी पते नहीं है जो मतलब कि यहाँ स्कूल है या नहीं है। क्या बच्चा लोग के भी भोजन वोजन बनता है? कुछ नहीं बनता है। नाम पड़ी चाची? अच्छा, रुआ कहाँ घर पड़ी? भोखड़वा। रुआ भोखड़वा स्कूल पे खड़ा बानी, ये स्कूल मैंने खुलेला कि बंदे रहेला? कब खुलेला? बस खाना उना बनेला लैकन के खाए वाला की? खड़ा बानी का ये स्कूल खुला रहेला की? जैसे अब धर बंद देखा तो नहीं, हरो घर आई तो बने देखब। क्या झंडो उंडो फहरावे लोग ना आवेला? साल भर में एक बेरी झंडा फहरला तो आवेला। खाना उना बनेला की ना? जब स्कूल बंद बा तो खानो बनबा। अच्छा, मैंने जब से स्कूल बंद
बनल बा जब से बंदे रहेला। स्कूल जब से बनल बा तब से बंद नहीं खे, यानी बीच में पढ़ावत रहन जाए गो गोरिया के रहन, वो कुछ दिन पढ़ावलन बबन नाम के लड़का, ओकरे बाद में फिर स्कूल बंद बा तो बंदे बा, आज तक बंदे बा। हां बंदे बा, खाली झंडा फहरावे लोग आवेला। हां बस झंडा फहरावे है ना, वो जाई हां।